पिछले एक महीने में योगी के एक्शन से हाहाकार, अधिकारी, नेता, मंत्री, प्रधान, हर कोई हैरान। बाबा मानने को तैयार नहीं, एक गलती पे गाज, 400 पुलिस वालों पर एक्शन, यूपी में हड़कंप मचा। आईपीएस बनी ट्रैफिक कांस्टेबल, डीएम पर मुकदमा दर्ज, योगी का नया रूप देख भू माफियाओं में खौफ। नाम योगी आदित्यनाथ, आदेश यूपी को सुधारना है, गुस्सा बेईमान अधिकारियों पर बुलडोजर, ऑर्डर ग्राम प्रधानों की जांच की जाए, सख्ती अपराधियों और भू माफियाओं को मिटाना। 28 जुलाई को योगी जब से दिल्ली से लौटे हैं, तब से उनके एक्शन से भूचाल आ गया है। माफियाओं, अपराधियों, अधिकारियों, नेताओं, मंत्रियों, हर किसी पर योगी का खौफ बैठ गया है। यूपी में ऐसा पहली बार हो रहा है जब डीएम पर एक्शन हो रहा है और आईपीएस खुद कांस्टेबल बनकर काम करने को तैयार है। कैसे यूपी में हाहाकार मचा है इसको समझते हैं। यूपी में सबसे ज्यादा गाज पुलिस पर ही गिरी है। अब तक पूर्वांचल में अकेले 100 से ज्यादा पुलिस वालों पे जांच बैठाई गई और उनको कुर्सी से हटाया गया। अधिकारियों की मनमानी पर भी बुलडोजर चला, बेईमान अधिकारियों की लिस्ट तैयार करवाई गई, यहां तक कि एक्शन भी शुरू हो गया। 4 जून के नतीजों के बाद से अब तक यूपी में 50 से ज्यादा एनकाउंटर की खबर है। मोहित खान केस में पूरी चौकी हटा दी गई। यूपी बिहार बॉर्डर पे खुद अधिकारियों ने छापा मारा तो दारोगा भाग गया। कोई ऐसा एरिया नहीं जहां योगी का एक्शन नहीं। आदेश नंबर 1, एसडीएम तहसील में ही बैठेंगे, नहीं बैठने पर कुर्सी से हटाए जाएंगे। आदेश नंबर 2, अधिकारी जनता की बात करें, नहीं किया तो हटा दिए जाएंगे। आदेश नंबर 3, भू माफियाओं से जमीन खाली करवाए, ना करने पे बुलडोजर चलाएं। आदेश नंबर 4, रोड पे नमाज नहीं, शांति भंग की तो हाथ पांव सलामत नहीं। आदेश नंबर 5, ग्राम प्रधानों की जांच हो, भ्रष्टाचार किसी भी हाल में ना हो। आदेश नंबर 6, मोहित खान जैसे केस में एक्शन तेज हो, खुलकर बेटियों की रक्षा की बात कही। आदेश नंबर 7, सदन में खुलकर खड़े होकर बोला, सद्भावना नहीं, अपराधियों पे बुलेट ट्रेन चलेगी। आदेश नंबर 8, एंटी रोमियो स्क्वाड को एक्टिव किया, बेटी को छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। आदेश नंबर 9, अधिकारियों को आदेश, कोई भी फोन करे तो उसका जवाब देना ही पड़ेगा। आदेश नंबर 10, हर थाने के हिसाब से टॉप 10 अपराधियों की फोटो लगाएं और जनता को बताएं ये समाज के अपराधी। आदेश नंबर 11, कोई भी कानून तोड़ता है तो उसे ऑपरेशन लंगड़ा के बारे में समझाएं और शामिल करें। आदेश नंबर 12, नेम प्लेट लगाना है, पहचान बतानी होगी, फर्जी कुछ भी नहीं चलेगा। आदेश नंबर 13, कोई भी रोहिंग्या यूपी में है तो अधिकारियों को जवाब देना होगा। आदेश नंबर 14, एसटीएफ एटीएस को खुली छूट, यूपी में कुछ भी संदिग्ध है तो एक्शन लीजिए। आदेश नंबर 15, एसएसपी और डीएम को ताकत दी, पूछो मत, फैसला करो, यूपी से अपराधियों और तमाम बातों की सफाई करो। ये आईपीएस रवीना त्यागी है, ये वही अधिकारी हैं जिनकी देखरेख में योगी सरकार का बुलडोजर अकबर नगर में चला था। ये सिंघम की तरह तेज है और ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। लखनऊ में जब कोई इंस्पेक्टर या ट्रैफिक कांस्टेबल नहीं दिखा तो ये खुद चौराहे पर खड़ी हो गई और ट्रैफिक व्यवस्था को चलाने लगी। ये संदेश है अधिकारियों का कि किसी भी हाल में सभी को काम करना पड़ेगा, नहीं तो जवाब देना मुश्किल होगा। यूपी के चप्पे चप्पे पर पुलिसिया ताकत दिखने लगी है। किसी भी त्योहार पे कुछ नहीं हुआ, कांवड़ यात्रा के दौरान भी कोई कुछ नहीं कर पाया, शुक्रवार की नमाज और शिवरात्रि दोनों एक दिन होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने एटीएस तक को उतार दिया। मतलब साफ है कि योगी का मूड एकदम क्लियर है, अब कोई घटना हो उसके पहले ही सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन ये कहानी का एक पहलू है, दूसरा पहलू इससे बेहतर है। अपनी ही पार्टी के विरोधियों को योगी ने ठिकाने लगाया, अब ना तो केशव ना ही पाठक लाइन में है। सरकार के साथ संगठन को भी समेट लिया, योगी ने पार्टी को बताया अब सरकार संगठन दोनों हमारे हाथ में है। यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं, इसके लिए 30 मंत्रियों की टीम बनाई, सबकी जिम्मेदारी भी बांटी, मैदान में भी भेजा। योगी ने 18 मंडलों की बैठक बुलाई, कार्यकर्ताओं, सांसद, विधायकों को समझाया मिशन 27 में कैसे डंका बजाना है।
यूपी में ना अब केशव का विरोध है ना पाठक जी को लगता है कुछ हो पाएगा, इसीलिए योगी के पीछे खड़े होकर पार्टी के साथ चलने का फैसला किया गया। यूपी में योगी का साफ आदेश, महिला की तरफ कोई भी देखता है तो उसको समझा दीजिए, ऑपरेशन लंगड़ा क्या होता है, कैसा होता है। बीजेपी की सरकार में योगी की नीति से जनता में एक भाव पैदा हो रहा है, ये साफ संदेश जा रहा है कि योगी कुछ करना चाहते हैं और जनता को आज किसी भी नेता से ज्यादा योगी पे सबसे ज्यादा यकीन है। तो वो इसलिए क्योंकि योगी ने दिन रात करके यूपी का मॉडल दुनिया भर में फैला दिया है और इस मॉडल पे हर उस जगह चर्चा हो रही है जहां हिंसा या प्रशासन ठीक से काम नहीं करता है।